कुत्ते को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, किस तरह का ये मामला और किस तरह की कार्रवाई की? देखिए, कल एक प्रियांशु जैन करके एक मैडम है जो पीपल फॉर एनिमल्स करके एक एनजीओ है जो केंद्र सरकार की तरफ से चलता है, उसकी सर्वे सर्वा हैं। उनने हमको एक लेटर दिया कि 26 तारीख की रात्रि में किसी पंकज शुक्ला नाम के व्यक्ति ने टिगरिया बादशाह में एक कुत्ते को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो चूँकि पशु क्रूरता का मामला था तो उसको तत्काल संज्ञान में लिया गया और उनके एक्टिविस्ट वहाँ पहुँच भी गए थे स्पॉट पे। फिर उन्होंने ये कहा तो हमने फिर पशु क्रूरता नियम और दूसरी अन्य धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और उसका आज वो लोग PM भी करवाएंगे, उसका 428-429 धाराएँ भी लगी हैं उसमें IPC में। फिर पंकज शुक्ला को गिरफ्तार भी किया गया, उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये भौंकता था और काटता था। तो हमने पूछा कि उससे कि यदि किसी व्यक्ति को काटा हो तो बताएं, ऐसा लगता है कि किसी को काटा तो बताइए एक आध नाम, तो बता नहीं पाया। अपनी सनक में उसने गोली चला दी कुत्ते के ऊपर, भौंकते हुए कुत्ते पर। तो किसी भी ना बोल सकने वाले प्राणी की इस प्रकार से हत्या करना, सरकार ने इसके लिए प्रावधान भी बनाया पशु क्रूरता में, तो उसमें हमने जो विभिन्न धाराएं में अपराध पंजीबद्ध किया उसकी 12 बोर बंदूक और जो 2 कारतूस उसने कुत्ते के ऊपर चलाए थे वो जब्त भी किए, उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसको गिरफ्तार किया जाके उसको जमात में चल के पे छोड़ा गया अभी, और जैसी कानूनी कार्रवाई होना है विधि सम्मत वैसा चालान पेश किया जाएगा। सर, जो वेपन है क्या लाइसेंसी है और ये जो आरोपी है वो क्या करता है सर, क्या करते हैं? आरोपी कृषक है, गांव का रहने वाला है, ज़्यादा कानून समझता नहीं है। 12 बोर बंदूक लाइसेंसी बंदूक है उसकी, तो लाइसेंस भी जब्त किया है। सर, निरस्त करवाने की किसी तरह का पत्र लिखा जाएगा जिस तरह से उसने कुत्ते को इस तरह से? अनावश्यक हथियार का प्रदर्शन करना ही जो है वो गलत होता है और इस प्रकार से किसी जानवर को मार के अब इलाके में अनावश्यक सनसनी फैलाना भी ठीक बात नहीं है। हम उस पर जो विभिन्न अपने हमारे जो उचित मार्ग हमारा जो है अधिकारियों का उसके माध्यम से जिलाधीश महोदय को पत्र लिखेंगे कि इस प्रकार के अनावश्यक लाइसेंस का हथियार का प्रदर्शन करने वाले लोगों के लाइसेंस रद्द किए जाएँ। सर, पूछताछ में कुछ बताया क्या सनकी टाइप है, साइको टाइप है, कुछ इस तरह से है क्या? नहीं, सनकी साइको टाइप बिल्कुल नहीं है, वो तो बढ़िया स्वस्थ आदमी है, मेंटली अच्छा हेल्दी है आदमी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हरकत क्यों करी, बस ये भौंकने के उसमें भौंक रहा था तो मार दी बोली। थैंक यू।